ये रहा मेरे सपनों का मंदिर रामेश्वरम, यहीं पे प्रभु श्री राम ने शंकर भगवान की शिवलिंग बनाकर यहाँ पे पूजा की थी। तो आज इस मंदिर की दर्शन करने वाला हूँ और गंगा जल अभिषेक करने वाला हूँ शिवलिंग पे। तो ये मंदिर की मुख्य द्वार है, ऐसे ऐसे चार द्वार है और यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो बहुत सारी खम्भे यहाँ पे हैं। ये पूरी अंदर की तस्वीर है, आप देख सकते हो बाहर साइड में मोबाइल फोन कैमरा सारी चीज़ें वहाँ पे जमा करनी होती है। अपने अनुसार यहाँ से आप छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हो। वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ निशानी के तौर पे कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। और मंदिर इतनी बड़ी है कि आप घूमते घूमते थक जाओगे फिर भी नहीं घूम पाओगे, इसके लिए आपको कम से कम 2 दिन की टाइम देनी पड़ेगी, तब आप सही से घूम सकते हो। देखो ये मंदिर कैसी है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत और दमदार सी पेंटिंग की गई है, तो ये बहुत अच्छी लग रही है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त है तो। मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ ऐसा लगा ना कि मैं पहली बार सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति की ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो पहले कभी नहीं देखा था। ये छोटी सी तालाब है, यहाँ पे आने के लिए आपको एक टिकट की ज़रूरत पड़ेगी जो 20 से 25 रुपए की टिकट लगेगी। तो यहाँ पे लोग आकर स्नान करते हैं और ऐसे 23-24 तीर्थम जो स्नान स्थल है जहाँ पे स्नान करते हैं लोग, और स्नान करने के बाद फिर फाइनली मंदिर में प्रवेश करते हैं अपने कपड़े को चेंज करके। यहाँ पे इतनी ज़्यादा खम्भे की उपयोग की गई है कि मत पूछो। मंदिर के अंदर में पूरे स्टोन वर्क किए गए हैं और पूरी इसकी वॉल रूफ खम्भे सब स्टोन से बनाए गए हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है ये मंदिर अंदर से देखने में। और इसके आगे मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि मंदिर के रूल रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं जिसे गुप्त रखा जाता है, तो मैं भी नहीं चाहता कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, उसे गुप्त ही रहने दूं। तो वो आकर आप लोग देख सकते हैं खुद अपनी आँखों से, और जो भी श्री राम भगवान के भक्त है वो इस वीडियो को लाइक करे। और इस पवित्र सावन की मास में अगर आप शंकर भगवान की भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप कहीं भी सावन में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।